ये जी हम कॉल कर रहे हैं। मामा मैं एक मिनट, मैं कॉल मिला रही हूँ मिला दो मुझे लेकिन कॉल। नेट बंद है, बेल तो जा रही है, आप पकड़े। क्यों नहीं उठा रही है इसको? रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं ठीक नहीं हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब सबको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अपने अपने बच्चों पर सलामती दे और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज़ जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्किप ना करें। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आप आज मेरी वीडियो लेट होने की आपको मैं रीज़न बता रही हूँ। वो ये है कि मैं रात की, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी हाई हुआ हुआ था और वॉमिटिंग आ रही थी बहुत। 3 बजे के करीब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, बड़ी मेडिसिन खाई थी लेकिन सुबह तक मेरी इतनी बुरी आदत थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। वो प्रोड्यूसर वो सुबह के चले डॉक्टर के पास, मेरे में हिम्मत नहीं थी वॉमिटिंग कर करके कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ। तो फिर खैर दोपहर को कुछ बेहतर हो जाऊँ, फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गई हैं, वहाँ पे भी इतना काफ़ी रश था तो इतनी परेशान थी कि वीडियो वगैरह वहाँ पे तो नहीं बनाई। अभी आके भी निडाह लो के भी मैं सो गई थी, तो सोने के बाद 1.5 घंटे सो के फिर मैं उठी हूँ। अब थोड़ी सी मैं अपने आप को मैंने रिलैक्स किया है तो मैंने कहा मैंने आज वीडियो ज़रूर डालनी है। चाहे मामा कम्युनिटी पे वैसे भी पोस्ट लगा दी थी अच्छा क्या कि आज माँ जी की वीडियो लेट आएगी पर आएगी ज़रूर। वो एक्चुअली हुआ ये कि जो आपका वो लोगो था ना, वो न्यू चैनल का पहले का जो बना हुआ था, जो ये आपका चैनल है, अच्छा तो वो अच्छा मैंने उस पर अच्छा पोस्ट कर दिया। तो वो गलत फहमी होगी, न्यू चैनल नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वाइटी फैमिली कह रही थी। तो वो न्यू चैनल नहीं है, बेसिकली यही चैनल का स्टार्ट में जो लोगो बनाया था ना, तो उसी को मैंने वो पिक लगा दी थी। तो चैनल यही है, तो मैंने पिक आपकी लगाने के लिए वो मैंने साथ ना कम्युनिटी में शेयर कर दिया था, ताकि आपकी वाइटी फैमिली आपकी वीडियो का वेट करें, क्योंकि वो कर रहे होंगे माशाल्लाह से, तो इसलिए फिर मैंने वो पोस्ट कर दिया था। तो जैसे आपको पता है कि असमा और जहेब का जो मसला चल रहा है, वो मुझे तो कल जो मैंने वीडियो डाली है मुझे सेटिस्फाइड करके चले गए थे, लेकिन असमा का फोन आया था तो मैं उस वक्त सो रही थी, नहीं उठाया मुझे, ये अब बताया इन्होंने। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अभी अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मैं तो उनके लिए दुआ दम दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनका घर बसा रहे, इतनी अच्छी जोड़ी है। तो मैं अब फोन करके देखती हूँ कि फोन खुद करके उससे बात पूछती हूँ, क्या ये उनको अभी फोन कोई और मसला तो नहीं हुआ, क्या तक बात पहुँची है। मैं वैसे भी बहुत उनकी तरफ से बड़ी परेशान हूँ कि भाई अल्लाह पाक आप उनको खैर फोन करे। करती हूँ, मैं आपकी बात करवाती हूँ, ये जरा तो फोन मैं दें। ये कॉल कर रहे हैं। ये जी हम कॉल कर रहे हैं। मामा मैं एक मिनट, मैं कॉल मिला रही हूँ मिला दो मुझे लेकिन कॉल। नेट बंद है। नेट बंद जा रहा है। हाँ नेट बंद है, मोबाइल ओहो हो, पे डायरेक्ट कॉल मिलाती हूँ। एक मिनट, ये बंद करें, कॉल कर रहे हैं। ये बेल जा रही है, बेल तो जा रही है, आप पकड़ें। क्यों नहीं उठा रही है इसको? फिर उठा ही नहीं रहे। अभी बेल जा रही है लेकिन नंबर यू डायल इज नॉट आंसरिंग, प्लीज देख, ट्राई लेटर। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मामा वो तो मेहरबानी। फोन ही नहीं उठा रहे। देखो बहुत ज्यादा टेंशन लग गई है कि क्या उठा चले, के वो ना जैसे उठा। फिर आपता होता है तो हम उनको मिलाए बुलाते हुए हैं, नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो अब तो वो कॉल नहीं उठा रहे तो हैं। प्यारी मेरी चलें वाइफ, कोई नहीं, आपसे बात प्यारी करवा। बैठी फैमिली, देखिए अब मैं जरा रिलैक्स होकर थोड़ी सी बैठी हूँ तो मैंने फोन किया, उसका नेट बंद है, डायरेक्ट फोन भी नहीं उठा रही है, बल्कि और ज्यादा परेशानी हो गई है कि अल्लाह नहीं ताला नहीं आप खैर अपनी करे। तबीयत ठीक करें, अल्लाह खैर इंशाल्लाह करे।
अभी बात होगी, वो एक्चुअली उस टाइम अगर मुझे उसके घर भी जाना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह ताला जरूर जाऊंगी उनके घर, अगर उन्होंने इस तरह समझाने के लिए ना उठाया। मैंने समझाने के लिए जाना है अल्लाह पाक एक दफा फिर ट्राई करो, सोचिए भी ना मुझे। नहीं माशाल्लाह से बहुत नाइस कपल है, हाँ। कि सबने बहुत दुआएं दी हैं कि ये एक दफा फिर ट्राई करें। एक मिनट स्पीक करो, ये जी कॉल कर रहे हैं। नहीं उठा रहे ना, नहीं उठा रहे। माँ मेरी बाटी फैमिली, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उस बच्ची का घर आबाद रहे और उसका जेन ठीक हो जाए। पता नहीं अल्लाह पाक माँ जी को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत परेशान थी उस दिन वो भी वो तो कह रहा था कि नहीं मैंने मजाक किया, लेकिन पता नहीं ये बात कहाँ तक चली गई है। तो आप उसके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे, हर बेटी के नसीब अल्लाह हर पाक बेटी अच्छे के नसीब अच्छे करे और किसी माँ बाप को ऐसा दुख ना देखना पड़े। तो ऐसे कहते हैं कि बेटियों से वैसे डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है, चाहे 5 हो चाहे 8 हो चाहे जितनी भी हो। तो अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उसके लिए भी अल्लाह ताला बेहतर करे। मेरी सारी दुआएं अस्मा के लिए हैं और बच्चे को समझाने के लिए भी हैं दोनों को, कि उनका घर आबाद रहे और इसी तरह हंसी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। मेरी तबीयत की वजह से मैंने डेकिन थोड़ी सी डाल दी है, मैंने कहा था जो मेरी वो गुफ्तगू होगी अस्मा के साथ होगी चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसने उठाया ही नहीं है, ना नेट चल रहा है उसका ना फोन उठा रही है। तो थोड़ी सी ये भी परेशानी लगी है, तो मुझे अगर जाना पड़ा उनके घर तो मैं इंशाल्लाह ताला उनके घर भी जाऊंगी। तो इसी मौजू के लिए तो जिन्होंने मेरी वीडियो का वेट किया मैं उनके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करूँ। खुशियाँ दे जो माँ जी को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हर मकसद में कामयाब हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें क्योंकि बीपी का पता नहीं चलता, ये किसी वक्त भी हो सकता है रात बिल्कुल। आज तो मामा आप ठंडी बर्फ हुई हुई थी, इतनी में ठंडी बर्फ हो गई थी कि आप यकीन करें कि मैं एसी भी फुल था और पंखा भी फुल था, लेकिन पसीने थे कि मेरे नहीं खत्म हो रहे थे, भीगी हुई थी। चले इंशाल्लाह दुआ करें तो अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। तो जैसे ही हमारा उनसे कांटेक्ट होता है तो हम जैसे इंशाल्लाह ताला उनसे बात करूंगी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।